हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 450 ग्राम चिकन लेके वॉश करके रखी हुई है, ये बोनलेस चिकन है। अब हम सबसे पहले एक चॉपर लेंगे और इसमें ये चिकन डाल देंगे और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये पीस गए अच्छे से। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। ये काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, सफेद मिर्च पाउडर है यहाँ पर 1/2 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून या हसबे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर है यहाँ पे 1/2 टीस्पून, अगर आपके पास नहीं है तो आप पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं, पेपरिका पाउडर है या ऑप्शनल है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम जाएंगे इसमें तकरीबन 1 प्याली के करीब। ये सब इसमें डालेंगे और चॉपर को हम दोबारा चला देंगे। ये देखिए ये अच्छे से बिल्कुल पिस गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमने निकाल लिया, ये रेडी हो गए। अब हम हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे या ऑयल, जो आपकी मर्जी है, और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से लेंगे और नगेट्स की शेप देंगे। ये देखें हाथों की मदद से हमने शेप दी थी अच्छे से। बस इसी तरह हम सब शेप इनकी देंगे नगेट्स की और आपको फिर सब रेडी करके दिखाते हैं। घर में अपने बच्चों को आप बना के दें, बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली ये रेडी हो जाती है। ये देखें ये एक और रेडी हो गया है। ये देखें तमाम नगेट्स रेडी हो गए। अब इसे साइड में रख देते हैं और नगेट्स को कोट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर हमने एक अंडा लिया हुआ है, इसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स और यहाँ पर हमें चाहिए मैदा चाहिए हसबे ज़रूरत। अब यहाँ पर हम अंडा लेंगे और उसमें 5 टेबल स्पून के करीब इसमें दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को फेंट लिया। अब यहाँ पर हमें एक नगेट्स लेंगे, इसे मैदे के मिक्सचर में अच्छे से कोट करेंगे। अब इसे अंडे पर डिप करेंगे। ये देखें ये हो गया है। और अब इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और अच्छे से कोट करेंगे। ये देखें इसी तरह हम सबको रेडी कर लेंगे। ये देखें बस अब आपको सब करके दिखाते हैं। ये देखें ये रेडी हो गया। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं। ये देखें बस मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है। यहाँ पर हाई फ्लेम नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 2 मिनट तक एक साइड से करेंगे। ये देखें 2 मिनट हो गए। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी सेकेंगे अच्छे से। ये देखें ये देखें इसकी साइड चेंज करते हैं। ये दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो गए। बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इनको डार्क कलर नहीं देना है। ये रेडी हो गए। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं ये हमारे नगेट्स। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त नगेट्स बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी, इतने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें हमने कट करके भी ये इसको दिखाया है। ये देखें ज़बरदस्त बने हैं अंदर से भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।